Hello, 2.0 megawatt. Hello, 2.2 point. साला टी रेक्स लॉयन आ गया बैन पहल वाला टीम अप वालों के लंडर मेरा हेलो लंडर ले लूं मेरा मैं तो फाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल पे अपने डिक का कह बनाता था कि अगर दो हो जाते तो दुनिया जीत लेता। सो हे गाइस, क्या हाल चाल, आई हो बच्चे हो गए सारे के सारे। तो गाइस यार, क्लिप तो शुरू में आपने देख ही ली होगी यार, मतलब कुछ तो मज़ेदार था उसमें। तो मतलब बंदा कह रहा है कि ले लो, तो मैंने कहा बिल्कुल यार, अगर तुम चैलेंज कर रहे हो और चैलेंज नहीं भी कर रहे हो तो तुम अगर देना चाहते हो, दानवीर हो, तो हम बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यार हमको भी दुनिया जीतनी है बे। तो बस फिर हम चल पड़े खोज में दुनिया जीतने की। तो गाइस यार देखो यार, इस बंदे ने ना अपना नाम बताया ना इसने बताया कहाँ उतरना है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही आया हुआ ही बोल दिया। क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं ना यार, मतलब ऐसे बंदों का ना ईमान होता है ना धर्म होता है, बस वही हाल इसका भी है कि ना नाम ना कुछ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चैलेंज कर दिया है वही, क्योंकि जानता है ना भाई नाम बोलेगा तो पिट जाएगा, इसलिए उसने नहीं बोला। और मैंने पूछा भी नहीं, ऑल खोला फिर मैंने बंद कर दिया माइक, क्योंकि यार अपने को भी कोई इंटरेस्ट है नहीं ऐसी फालतू की फुद्दूगिरी वाली बातों में जुड़ने का। तो बस अपन चैलेंज एक्सेप्ट किए और चल दिए दुनिया जीतने के लिए। तो दुनिया जीतने में यार मतलब मदद करना यार, तो चलते हैं फिर यहाँ पास आए। हॉट ड्रॉप किया नहीं, हॉट ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि यार हॉट ड्रॉप करते ना तो फिर गाड़ी नहीं मिलती, और गाड़ी नहीं मिलती क्योंकि यार आपको ही पता होगा पबजी मोबाइल लाइट में जहाँ जहाँ हॉट ड्रॉप है वहाँ वहाँ बाइक नहीं मिलती, मतलब व्हीकल नहीं मिलता कोई भी। थर्ड हिल हो गया, स्टेडियम हो गया, तो मैं सोचा कि यार पहले व्हीकल लेते हैं उसके बाद लूट करेंगे, क्योंकि यार अपने कोई सीन नहीं, अगर व्हीकल लेंगे फट जाएंगे, ले लेंगे, कोई सीन नहीं, डरते नहीं बिल्कुल अपन। लेकिन उतरे तो स्कैम हो गया यार, व्हीकल भी नहीं था यहाँ पास, तो यार आप सोचे कि यार इस टाइम दुनिया हम जीत ना पाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन नहीं यार दुनिया जीतना था। तो फिर पास के अपार्टमेंट पहुंचे तो यार एक बंदा था जिसको अपन ने पेली दिया, वो बंदे भी नशे में था यार। उसके बाद फिर आए यहाँ पास, लूटा उटा थोड़ा लूट रहे थे, उतने में फुटप्रिंट की आवाज आती है मुझे सामने वाले घर से। तो फिर मैं टीवी पी लग के देखने लग जाता हूँ कि यार कहाँ है बंदा, उसी समय वो बंदा मुझे यहाँ से ज्यादा हुआ दिखता है, तो उसको भी थोड़ा नींद में सुला देते हैं। सो गाइस यार मतलब इस बंदे को देख रहे थे यार, मतलब इसको पता था कि मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ और कोई आ ही नहीं सकता है, इसलिए आराम से लूट रहा था, ना कोई चिंता ना कुछ। और फिर ड्रॉप शॉट भी खेल रहा था उतनी दूर से, मतलब ड्रॉप शॉट की एक रेंज होती है, क्लोज रेंज में खेला जाता है, मतलब इतनी दूर से कोई ड्रॉप शॉट नहीं मारता। उसके बाद मैं सोचा यहाँ गाड़ी मिलेगी, आप लोगों को पता ही होगा यार कि विरंगा में कहाँ गाड़ी होती है, तो यहाँ पास भी एक कार रहती है, लेकिन यहाँ भी नहीं थी। फिर स्कैम हो गया यार, मतलब स्कैम पे स्कैम, कैसे यार दुनिया जीतेंगे अपन। लेकिन समय यहाँ से जाती है कार, तो मुझे लगता है यार चलो फिर अब तो अपना काम हो गया, तो मैं थोड़ा स्टैप फायर भी देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पास पता चलता है कि एक बंदा है, तो यार फिर चलते हैं इस पे, पुश करते हैं। और हमने ली थी उजी, हमको पसंद आ गया थोड़ा उजी यार शुरू में, तो लेते हैं, सोचा कि यार चलो उजी से ही मारेंगे बंदे को। और वैसे भी उजी क्लोज रेंज के लिए अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पास उजी धोखा दे दिया यार, मतलब मैं उजी की 35 की 35 बोलिया उसके भर दिया, तो भी वो बंदा मतलब चूँ नहीं बोला यार, इस तरह मतलब भरोसा उठ गया बिल्कुल। फिर मैंने यार उजी चेंज कर दी और अपनी M762 ले ली यार। AKM वैसे मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि M762 को थोड़ा सा मतलब आवाज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा धीमे, मतलब पता नहीं क्यों, बस मैं दोनों सही है, दोनों बेस्ट गन है, लेकिन मैं AKM प्रीफर करता हूँ अगर होती है। और उसकी उसकी स्क्रीन यार अच्छी लगती है, साइड में लिख के आता है कि REXツŁIØN के ऐसा कुछ भी, मतलब साइड में जो लिख के आता है इफेक्ट, वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ। बाकी दोनों गन अच्छी है, आप कमेंट में मत लिखना कि ये वो तीन बात, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पास M762 ले लेते हैं, क्योंकि और कोई गन तो उसमें रहती नहीं AKM। तो फिर चलते हैं आगे, इसी गाड़ी उठा लूँ, ये बंदा तो गाड़ी से आया था। उसके बाद यहाँ से बैंडेज लगाते हुए मैं जा ही रहा होता हूँ कि उतने में यहाँ पास एक बंदा मुझे दिख जाता है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में यार, क्योंकि मतलब देखने में लेफ्ट और राइट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जो लेफ्ट साइड में मुझे एक बंदा दिखता है, तो फिर देते हैं उसको भी थोड़ा सा डोज। गाइस यार इस बंदे को अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ये बंदे के पास वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, आउटफिट। ऐसा नहीं था कि आउटफिट नहीं था, आउटफिट्स बंदे ने उतार दी थी, क्योंकि ये बंदा सोच रहा था कि टीम अप वाले बंदे अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं भी टीम अप कर लूँगा। लेकिन यार मतलब हद होती है यार इस तरह की दिमाग लगाने की बेफालतू की। उसके बाद मुझे सामने से भी फायर आया हल्का सा, तो हम वहाँ चल दिए सीधे। अब बंदा भाई साहब इधर था, ऊपर बैठा हुआ था सेकंड फ्लोर पे, तो हमने सोचा थोड़ा नेट आउट कर देते हैं जब नेट मोली है अपने पास।
तो मोली से उसको हल्का सा डैमेज होता है, और नेड का तो शायद फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो हल्का सा डैमेज ही यार थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट दे जाता है। तो जब मैं ऊपर रश कर रहा होता हूँ तो बंदा हील कर रहा होता है, वो जो हल्का सा मोली का डैमेज होता है बैंडेज लगा रहा होता है, और फिर यार मतलब इस बंदे के साथ खतरनाक स्कैम हुआ। मतलब जो बंदा जहाँ मार रहा था मैं वहीं वहीं से आता जा रहा था आगे की ओर, तो यार मतलब वो तो सोचा हे भगवान कहाँ फंस गया मैं, तो क्या फिर उसको भी पेला और फिर चल दिया गाड़ी लेके उसकी। अब यहाँ पास गाइस नोटिस करना, जब मैं उस गाड़ी में था तो स्किन थी, इस गाड़ी में बैठा तो स्किन ही हट गई, पता नहीं यार मतलब इतनी ग्लिच और बग क्यों है। उसके बाद फिर इधर पास आया, अब नोटिस करना गाइस अभी स्किन नहीं है मेरी व्हीकल है, लेकिन नेक्स्ट व्हीकल जब मैं इसके बाद लूँगा उसमें स्किन वापस आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पास आता हूँ स्टेडियम में, तो एक बंदा होता है जो कि यार मतलब सामने ही होता है, फायर देता है डेंजर वाला, लेकिन मतलब इतना स्पीड से मैं अंदर घुसा, फिर मैं वापस देखने गया जब तक वहाँ आ गया तो अपनी फट गई भाई। यहाँ पास खतरनाक मैच होता है यार, मतलब ऐसा वाला होता है पहले आप पहले आप पहले आप, तो देखो गाइस पहले आप में कौन जीतता है। तो भाई साहब ये बंदा जैसे आया था ना मतलब फट गई थी मेरी, फिर ये बंदा सोचता यार कि मैं डैमेज दूंगा, बल्कि मुझे तो आधा एचपी का डैमेज भी नहीं था, और ये बंदा सोचता कि अब मैं थर्ड पार्टी करके प्रो बन जाऊंगा, लेकिन गाइस स्कैम स्कैम स्कैम, मुझे एक भी डैमेज नहीं दिया था उस बंदे ने, इसका मुझे फायदा हुआ। अब देखो गाइस यहाँ पास फ्री स्किन वापस आ गई, तो यहाँ पास फिर मैं ढूंढता रहता हूँ बंदे को गाड़ी से, उस समय मुझे यहाँ पास बंदे मिल जाते हैं, फायर होता है लेफ्ट साइड से थोड़ा सा फायर आता है और सामने से भी, तो मैं सोचता हूँ किधर जाऊँ, फिर मुझे लगता है नहीं यार सामने ही चलते हैं, सामने ज़्यादा सही रहेगा, तो सामने जाता हूँ। तो जब तक पहुँचता हूँ या जब तक दो तीन बंदे होते हैं यहाँ पास, लेकिन बचता सिर्फ एक है, तो चलते हैं उसको पेलते हैं। और देखो गाइस क्या दिमाग लगा रहा है, 36 क्या कहते हैं उसको, जो 60 IQ जो ये बोलते हैं ना, तो वही गाइस देखो छत पे लेटा हुआ है बने स्वैग के साथ। अब मैं सोचा कि अगर यहाँ से जाऊँगा तो जो सामने से फाइट हो रही है वो भी मारेंगे और पीछे वाले ही मारेंगे, तो अपन भी फिर लगाते हैं 360 IQ। तो गाइस अपन का देख रहे हो ना मतलब दिमाग, देख रहे हो यार अपन के पास भी दिमाग है, वह ऐसे थोड़ी ना यार यहाँ पास फिर देता हूँ, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा एम डिस्टर्ब हो जाता है या फिर डैमेज पब्जी वाले के जो काम है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत समय तक मारना पड़ता है यार, लगता है मर अब मर अब मर अब मर, या तो उसके पास लेवल 3 का वेस्ट रहा होगा या हेलमेट ऐसा कुछ, तो फिर वहाँ से उसको पेलते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, लूट पाते नहीं है तो फिर गाड़ी लेते हैं और चल देते हैं और बंदों की खोज में, क्योंकि अभी 8 किल हुए थे, थोड़ा गेम प्ले 10-15 किल तो होना ही चाहिए कम से कम। तो यहाँ पास मैं जाता हूँ और फिर फ्यूल सोचता हूँ भर लूँ, क्योंकि ये जगह सही है, स्नाइप भी नहीं करेगा कोई पीछे से भी और आगे से भी, तो देख के थोड़ा सा नज़र रख के मैं फ्यूल भर लेता हूँ गाड़ी में। उसी समय एक गाड़ी यहाँ से गुजरती है, अब भाई साहब इस बंदे को देख के मतलब पानी आ जाता है मुँह में, किल किल किल, तो अपन ही पीछे करने लगते हैं, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा नशे में होता है, गाड़ी रोक देता है, लगता है इसका पिंग हाई था, मतलब मैं देख रहा हूँ कितने स्लो से निकाल रहा हूँ, तो अभी वो बंदा मतलब पक्का उसको डैमेज मिला रहा होगा, तभी वो हील कर रहा था, और यहाँ पास इतने आराम से प्यार से मैंने उसको वापस लॉबी में भेज दिया। उसके बाद यहाँ पास आया तो एक बंदा मुझे सामने दिखा, पक्का यहाँ पास टीम अप हो रहा था गाइस, तो देखो यहाँ पास एक बंदा दिखा और मैं इस तरह उतरा ना यार, मतलब ये बंदे का अगर पिंग हाई ना होता तो आज तो मैं चला गया था, लेकिन भाई अब यहाँ पास वो भाई इस बंदे को देखना गाइस, बंदे का ऑल माइक खुला था और मुझे लग रहा था कि उस बंदे का शायद ऑल माइक खुला, क्योंकि और कोई प्रूफ मेरे पास है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ये वही बंदा था, तो इसके मतलब दुनिया हम जीत लिए बे, देखो ओ भाई गन चेंज किया, लौटा गन हाई नहीं हाथ में, मुक्का मार रहा है, और फाइनली हमने दुनिया जीत ली है। लेकिन टेंशन मत लो गाइस, अभी बने रहो, गेम प्ले पूरा है, वेरंगा में चिकन डिनर करेंगे और दोस्त टिप्स भी बताने वाला हूँ मैं अभी लास्ट में, एक अच्छी टिप्स है जो आप पबजी मोबाइल में शायद करते हो अगर पबजी मोबाइल खेलते रहोगे, लेकिन अगर लाइट में नए नए बंदे हो तो आपको ये टिप बहुत काम आएगी। तो यहाँ पास मैं फट से लेता हूँ अपना लूट उठ लेता हूँ और निकल लेता हूँ यहाँ से आगे, क्योंकि यार जोन पीछे से पुश कर रहा था। अब भाई साहब वापस मैं आ जाता हूँ यहीं पास जहाँ मैंने उस बंदे को लॉबी भेजा था, तो फिर उसके बाद यहाँ पास आता हूँ, फिर मुझे यार भाई मतलब स्काउट बाबा की याद आती है, जो हमारे पबजी मोबाइल लाइट के प्रो प्लेयर, वो कहते हैं कि हमेशा रिच का लिया करो, रिच में लिया करो, रिच में अच्छा एंगल मिल जाता है, तो इसलिए मैं रिच के लिए ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब गाइस अब आप जानते हो यार कि गाड़ी सीधे चढ़ाने पर ऊपर नहीं चढ़ती, लेकिन अगर उल्टा अगर इस गाड़ी को कहते हैं इसको US कहते हैं शायद, तो US को अगर उल्टा चढ़ाओगे तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, ये पता नहीं ग्लिच बग या कुछ भी कह सकते हो, उल्टी गाड़ी चढ़ाने पर जितनी भी ऊंचाई पे होगा ये US चढ़ जाएगी, सिर्फ US गाइस ना, बग की होगी का पता नहीं लेकिन US चढ़ जाती है। तो मैं सोचा कि रिच में आते हैं और थोड़ा सा फ़ायदा लेते हैं, एक दो को मारेंगे यार, थोड़ा सा स्प्रे देंगे, स्नाइपर तो थी नहीं अपने पास, तो आया लेकिन ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, एक किल मिलता है
तो गाइस देखते जाओ 360 आईक्यू फिर से मेरा काम आएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास ऊपर से देखता हूँ तो एक भी बंदे दिख नहीं रहे थे उतने, क्योंकि दो ही बंदे थे अब दोनों, एक तो बंदा गिली शूट में था और एक बंदा था तो उसको भी मारेंगे अपन, दोनों किल हम ही लेंगे, कोई सीन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पास जोन पुश करता है तो यार वापस अपन चल लेते हैं, इससे फ़ायदा तो हुआ नहीं अपने को। अब गाइस यहाँ पास एक बंदा नज़र आएगा, तो गाइस अगर यहाँ पास का किल आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मज़ा तो आ ही रही होगी आपको। तो यार यहाँ पास देखो ये बंदा आ रहा होता है, मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो फिर यहाँ से अपन सीट चेंज करते हैं और आराम से इसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है गेम में। ओ भाई मज़ा आ गई भाई साहब। उसके बाद ये बताओ अभी गाइस आपको पूरा मैप दिख रहा है, ये बताओ बंदा किधर पास है, मुझे खुद बंदा नहीं दिखा, पता नहीं वो कैसे मर गया। तो अभी कमेंट करो यार जाइज और जाके बताओ कि किधर पास बंदा लेटा हुआ है, और ये बता दूँ लेटा हुआ है बंदा, इसे ध्यान से देखो कहीं दिख जाए तो मुझे बता दो। तो गाइस ये बंदा ख़त्म, पता नहीं चला ना किधर है, बस ख़त्म हो गया यार, मतलब मज़ा ही आ गई कुछ। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, और हम दुनिया जीत चुके हैं इसीलिए तुम सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में तुमको भी दुनिया जिताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।